प्रणाम गुरुदेव, बताइए गुड़ी पड़वा का महत्व और क्या जो आवश्यक है। देखिए, सृष्टि की रचना हुई तो सृष्टि की रचना के हिसाब से उसी दिन से कालगणना की शुरुआत हुई, तो कालगणना के लिए प्रथम दिन दिया गया चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का मतलब ये है कि पूरे हमारे पूरे वर्ष का आरंभ दिन वही है। तो सृष्टि के आरंभ को हो गए 1,95,58,85,123वां वर्ष शुरू होगा जी। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि ये दिन चैत्र शुक्ल एकम आया और सृष्टि की रचना हुई, तो इससे सारे वर्ष के पर्व त्यौहार शुरू हुए। तो चैत्र शुक्ल एकम सारे पर्व व्रतोत्सव का जनक है। तो ऐसी स्थिति में सारे विश्व के लिए अगर महत्वपूर्ण दिवस है तो चैत्र शुक्ल एकम, तो इसका सारा विश्व तो मनाए या नहीं मनाए, लेकिन हमारे सारे भारत ने इस दिन को उस महत्व के हिसाब से मनाना चाहिए कि सृष्टि का आरंभ दिन के 2 अरब के लगभग वर्ष होने को आ रहे हैं। तो इसका महत्व मानते हुए सारा देश इस दिन को महत्वपूर्ण रूप से मनाए। उज्जैन के लिए भी इसमें आपने लिखा है, उज्जैन का भी जन्म, उज्जैन कालगणना की नगरी होने के नाते, कालगणना का नगर होने से ये भी उज्जैन की भी प्राचीनता कालगणना के दिन से लगी हुई है। मतलब अरबों वर्ष पुराना उज्जैन है, इसलिए यहाँ तो सबसे ज्यादा महत्व है क्योंकि कालगणना की नगरी और कालगणना के देवता दोनों यहाँ है। तो यहाँ तो निश्चित रूप से इसका महत्व है ही, लेकिन हमारे सारे भारत के सारे विश्व के लिए दिन का महत्व है जी। प्रणाम।